ओ बाप रे, मैंने तो हरण का निशाना किया था, ये तो बच्चे को लग गया। अरे यार, ये बच्चा तो मर गया। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन नहीं यार, इसको इसके घर वालों तक छोड़ा। इन सामने वाले घर वालों से पूछता हूँ, शायद ये बच्चा इनका हो। भाई जान, ये बच्चा आपका है? अरे हाँ भाई, ये तो मेरा बेटा है। क्या हुआ इसे? भाई जान, मैं जंगल में शिकार खेल रहा था, मेरा तीर गलती से इसे जा लगा है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। ओ जालिम, शिकारी मेरा एक ही बेटा था और तू कहता है कि गलती से लगा है, तूने जान बूझ के मारा इसे। भाई जान, आपकी मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है? मेरा यकीन करे, गलती से इसे तीर लगा है। बाकी आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है, मुझे तो काजी के पास लेके जाऊंगा मैं। मेरा बेटा, एक ही बेटा था मेरा। चल कमीने, काजी के पास। सरदार साहब, बैठो बैठो। खैर तो है बेटा, क्या हुआ? काजी साहब, बैठो बैठो बैठो। इसने मेरे बेटे को तीर मार कर कत्ल कर दिया। हाँ भाई, क्या ये नौजवान सच कह रहा है? जी काजी साहब, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं मानता हूँ कि कत्ल मैंने किया है, लेकिन मैंने जान बूझ के नहीं किया। मैं तो शिकार खेलने की घर से गया हुआ था, गलती से मुझसे तीर लग गया है। हाँ बेटा, उसने अपनी गलती का इकरार कर लिया है, अब तुम क्या चाहते हो? काजी साहब, मेरा एक ही बेटा था और कत्ल का बदला कत्ल ही होना चाहिए, इसे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। काजी साहब, आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। 10 दिन के बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। मुख्तारे, इधर आओ। ऐसा करो, इसको ले जाओ और अंदर बंद कर दो। ठीक है। नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ लेता हूँ। कैदी से जाकर पूछता हूँ, उसे खाने पीने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, तुम कत्ल करके भाग तो सकते थे, लेकिन आपने आप को मुश्किल में क्यों डाला है? काजी साहब, हमारा मजहब इस्लाम है और इस्लाम हमें हर की इजाजत नहीं देता किसी के साथ ज्यादती करने की। बेशक मुझसे गलती अनजाने में हुई है, लेकिन उसकी जो भी सजा बनती है वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। आपकी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको अपनी गलती की सजा तो जरूर भुगतना पड़ेगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। काजी साहब, क्या बात है भाई? काजी साहब, आज 9 दिन गुजर गए हैं और कल मुझे फांसी होने वाली है, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मैंने अपने इलाके में काफ़ी सारे लोगों की अपने पास अमानतें जमा की हुई थी, आप मुझे 1 दिन की अगर छुट्टी दे दें तो मैं उनकी अमानतें देकर वापस आ जाऊंगा। अगर मैंने उनकी अमानतें वापस ना की तो रोज़े क़यामत मैं अपने अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। आप मेरा यकीन करें, कल मैं अपने टाइम पर वापस आ जाऊँगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप टाइम पर वापस आ जाना, आप जा सकते हैं। आप बेफिक्र रहें। ठीक है, बंदा तो यार ईमानदार लगता था, टाइम तो पूरा हो गया है मगर आया नहीं। काजी साहब, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। काजी साहब, किधर है बंदा? लाएं उसे बाहर और लटकाएं फांसी पे। बात दरअसल ये है, काजी साहब ये क्या किया आपने? अगर बंदा मौके पर मौजूद नहीं है तो हम आपको फांसी पे चढ़ा देंगे। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। काफी लेट हो गया हूँ काजी साहब, बहुत परेशान होंगे। काजी साहब, आपका बंदा नहीं आया, चलें आप फिर लटकने के लिए तैयार हो जाएं। इसी आपको लगेगी। जाए काजी के कफन का इंतजाम कर। चलो उठो उठो उठो। रुको, खैर तो है, इतनी देर से क्यों आए हो? काजी साहब, मैं कश्ती पे आ रहा था, कश्ती पानी में डूब गई। कश्ती में मौजूद जितने भी सवार थे सारों की डेथ हो गई है, और मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह मेरी खैर फरमा और मैं जल्दी से काजी साहब की अदालत पहुंच जाऊं। ये ना हो कि मेरी वजह से आज एक और बेगुनाह फांसी पर चढ़ जाए। काजी साहब, मैं आ गया हूं, अब आप दें मुझे फांसी।
यार मुझे तेरी समझ नहीं आ रही, जब काजी साहब ने तुझे छोड़ दिया था तो तू भाग भी तो सकता था। देखें भाई साहब, हमारा दीन हरगिज हमें इजाजत नहीं देता किसी को तकलीफ पहुंचाने की, और मैं तो काजी साहब से वादा करके गया था, मैं अपनी वादा खिलाफी कैसे कर सकता था। मैंने तुझ जैसा ईमानदार आदमी जिंदगी में नहीं देखा, आपकी फांसी का टाइम हो गया है। रुको काजी साहब, मैं इसकी ईमानदारी देखकर बहुत मुतासर हुआ, औलाद तो अल्लाह पाक मुझे और भी दे देगा, मगर मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता, मैंने अल्लाह की रजा की खातिर इसे माफ किया है। बेशक हमारे प्यारे नबी पाक का फरमान है, अगर माफ करने से तुम्हारी इज्जत घटे तो रोजे कयामत मुझसे ले लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। शुक्रिया।